तो हम बात कर रहे हैं डायनेमिक चार्ट के ऊपर। हमने कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स का यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे रेडियो बटन्स के बारे में, हम बात करेंगे ग्रुप के बारे में, और बात करेंगे हमें स्क्रॉल बार के बारे में। उस सेम उसी तरह का डेटा मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ जो कि हमने कल की क्लास में क्रिएट की थी। अब यहां पे हमने अपना इसको सेलेक्ट किया और यहां हम पेस्ट करते हैं, यहां पे 1 दिया और यहां पे हमने अपना ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया, इसको सेलेक्ट किया और हमने यहां पे 0 किया क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, और आगे की तरफ हमने इसको ड्रैग कर दिया। इसकी वीडियोज मैंने आप लोगों को भेज दी थी, आपने देखा होगा आई थिंक, नहीं सर, नहीं मिली थी वीडियो तो। बस सुबह भेजा हूँ व्हाट्सएप पे, देखिए। अब ओके 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 यहाँ पे 1 के जगह पे हम 2 करते हैं तो नीरज आया, 3 करते हैं तो पूजा आया, क्योंकि इससे लिंक्ड है। और ये ऑफसेट फॉर्मूला सीक्वेंस नंबर से ऊपर लेके आ रहा है। ऑफसेट फॉर्मूला मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और ये चीज भी हमने लास्ट क्लास में किया था। बात करते हैं स्पाइन बटन की। जैसे कि मुझे नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन बनाना है, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ नेक्स्ट और प्रीवियस का चार्ट देख सकूं, तो मैंने क्या किया, डेवलपर टैब में गया और यहां से स्पाइन बटन। अब इस पे बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, और इसको छोटा भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीका बताते हैं आपको, देख लीजिए। तो मैं इस पे क्या करता हूँ कि राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में आता हूँ। अब इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है, इसको हम 1 कर देते हैं, 0 यहाँ पे आएगा तो ये नेम आ जाएगा, इसलिए 1 किया। और मैक्सिमम वैल्यू 10 है हमारा तो यहाँ पे हम 9 कर देते हैं, और सेल लिंक में हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। ये आपका नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, इस तरह। लेकिन अगर इस पे टेक्स्ट चाहिए तो कैसे करेंगे, तो टेक्स्ट चाहिए तब इसको छोटा आपको करना पड़ेगा 2 सेल। ठीक है, फिर यहां पे थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा करना पड़ेगा हमें। सर इसमें ऐसा भी ऑप्शन होता है जैसे हमें एक बार में 2 या 3 जन का देखना हो तो वो आ जाए? तीन मतलब यहाँ इस पे रिपोर्ट बात करें, हाँ जैसे अभी सिंगल सिंगल आ रही है ना। वो हम इस कॉल पे बात करेंगे इसके बारे अच्छा में। यहाँ पे बात करते हैं, मुझे यहाँ डेटा है, 1 सेकंड कीजिएगा, 1 सेकंड। हम बात करते हैं रेडियो बटन्स की। जैसे हमने आपने देखा कि हमने नेम वाइज तो यहाँ पे किया हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि नेम वाइज नहीं, मंथ वाइज यहाँ क्या है। यहाँ पे 1 कर दिया हमने, और यहाँ पे मंथ के लिए हम यहाँ ऑफसेट का फॉर्मूला लगाते हैं। इस बार हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और हम इस बार हम रो 0 कर देते हैं, कॉलन में इसको सेलेक्ट करते हैं 1 को, तो कॉलन आ जाएगा। और नीचे ड्रैग करने से पहले मुझे सिर्फ इसका A14 को फ्रीज करना है, नीचे ड्रैग कर दीजिए
वन होगा तो जैन का, टू होगा तो फैब का, थ्री होगा तो मार्च का, इस तरह से नंबर्स आएगा। और फिर इस पे हम अपना चार्ट क्रिएट कर लेंगे, जो भी चार्ट क्रिएट करना है। और इसको थोड़ा सा यहाँ साइड में कर देते हैं, साइड में। और इसके ऊपर जो है हम अपना रेडियो बटन्स, ऑप्शन बटन जिसको बोलते हैं, ऑप्शन बटन्स इसको सेलेक्ट किया हमने, और यहां हमने ऑप्शन बटन में दिया जैन। यहां एक को सेलेक्ट कीजिए, राइट एक बनाना आपको, ठीक है, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसको 3D सेटिंग और लिंक में इसी नंबर को लिंक कर दीजिए। तो पहला है इसलिए वन आया। अब इसी को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्रेस कीजिए, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके नीचे, ठीक है, इस तरह का माउस सिंबल आ जाएगा, कॉपी कीजिए यहां पे, मार्च, मई, जून, कितने भी मंथ है। अब लेकिन इसको नेम अपनी आपको चेंज करना पड़ेगा, नेम ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, क्योंकि सीक्वेंस वही होना चाहिए जो ऊपर का सीक्वेंस है। अगर बाद में हिलाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जितना जैसे जैसे आपने ड्रैग किया है वही नंबर यहां डालेगा। इसको अपने हिसाब से थोड़ा तो सा अरेंज सीक्वेंस में कर दें, ये आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ वन क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वन आएगा, टू क्लिक करूंगा तो टू आएगा, थ्री करूंगा तो थ्री आएगा, फोर करूंगा तो फोर, फाइव, फाइव। इस तरह से आप वन बाय वन रेडियो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका यूज कब होगा, क्योंकि चेकबॉक्स जो हुआ उसमें मल्टीपल चेकबॉक्स होगा, तो जितने कई बार क्लिक कर सकता है, मान लीजिए जैन फैब दोनों का, मुझे जैन और फैब दोनों का चाहिए तो चेक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैन फैब दोनों का चाहिए तो यहाँ पे सम होगा, सम आएगा ना, तो यहाँ जो है यहाँ पे हम लोग इस तरह से बटन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वन बाय वन दिखे। अब इसमें आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक आता है ग्रुप बॉक्स, ग्रुप बॉक्स का क्या यूज है। अब मान लीजिए ना कि हमारे पास एक डेटा यहाँ है और एक डेटा यहाँ। अब ये डेटा, ये जो डेटा हमारा दिल्ली का डेटा है, ब्लू कलर का हम कर देते हैं, ये हमारा दिल्ली का डेटा है, और ये जो हमारा डेटा है ये हमारा पुणे का डेटा है। यानी हाँ, पुणे का डेटा है। अब मुझे यहां पे एक और बटन बनाना है जिसमें चॉइसेस लिखना लिखा होना चाहिए कि दिल्ली और पुणे। मैं दिल्ली में वन टाइम में दिल्ली का देखूं या पूना के देखूं, मैं डेटा अपने हिसाब से चेंज कर सकूं। सर मैं क्या प्रॉब्लम है बता रहा, समझ में आया सर आपको कि नहीं? यहां पे प्रॉब्लम क्या है, नीचे कर देता हूँ, साइड में होना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं डेवलपर में जाता हूं और मुझे रेडियो बटन ही चाहिए, चेकबॉक्स नहीं चाहिए, मैं यहां भी क्लिक करता हूं और मान लीजिए कि यहां मैं कर को देता हूं क्या प्रॉब्लम क्या है कि अब ये दिल्ली वाला भी इसी का पार्ट हो गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए हाँ आठ आ गया, क्योंकि जब से सिक्वेंसली आप लिखते जाएंगे तो सिक्वेंसली आपको दिखाता ही जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये जो रेडियो 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 बटन हो, यहाँ यहाँ जो रेडियो बटन हो इस सीरीज का पार्ट ना हो। पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूं, और फिर यहां पे हम अपना ग्रुप बॉक्स ऐड करते हैं।
बॉक्स में यहाँ ग्रुप बॉक्स दिख रहा है ना, और ग्रुप बॉक्स इस पे राइट क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं। अब सिटी में, अब जो मैं यहां जो रेडियो बटन, इसके अंदर जो रेडियो बटन डिफाइन करूंगा वो इसी के अंदर होगा। तो कई सारे कैटेगरी के हिसाब से अगर रेडियो बटन डिफाइन करना हो तो फिर हम ग्रुप बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहां हो जाएगा डेली, और इसी को नीचे हम इसी को लेते हैं और नीचे कॉपी कर देते हैं, या फिर दोबारा से डिजाइन भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आपका जैन का टोटल आया। अब यहाँ पे दिल्ली पुणे है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा क्योंकि ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। फिर हम परफॉर्मेंस कंट्रोल में जाते हैं और सेल लिंक में इसको सिलेक्ट करते हैं एंड ओके। अब देखिए इस पे वन एंड टू हो रहा है, वन एंड टू। अब जैसे कि हमने यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है ना, इसी को हम कॉपी करते हैं और इसमें हम चूज का फॉर्मूला लगा देते हैं कि चूज अगर ये वन हुआ तो ब्लू वाला जो दिल्ली वाला पार्ट है उसी को शो करे, अदरवाइज ए आपका पुणे दो हो तो पुणे वाले को चूज करे। इफ भी लगा सकते हैं, बट यहाँ चूज लगा दिया क्योंकि यहाँ पे वन एंड टू हो, क्योंकि भी यहाँ पे चलेगा सिक्वेंसली है। तो अब यहाँ ए वन के जगह पे मुझे के वन कर देना है, सिंपल से। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नीचे लेकिन डेटा सेम है, इसलिए फर्क आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसका डेटा मैं अलग कर देता हूं। पुणे दिल्ली समझ में सर आपको? सर हाँ सर आ रहा है। बात करते हैं, यहां पे मैं नेम दिया, अब बात करते हैं स्क्रॉल बटन की। स्क्रॉल बटन चार्ट्स के व्यू पर इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर और भी चीजें कर सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा मैंने यहाँ पे कर दिया हुआ है, राइट 4 शहर का मान लीजिए मैंने कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा चार्ट जो नेम है वो एक एक करके देखेंगे तो काफी लंबा ड्रॉप डाउन चलेगा। आप ये समझिए ना कि आपका डेटा सीट कोई देखिए, एक्सेल सीट कोई देखिए, एक्सेल सीट की विजिबिलिटी कहाँ है? 1 to 29 है ना सर, है कि नहीं सर? जब इसको यहां पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, 2 to 30, 3 to 30। तो विंडोज तो इतना ही बड़ा है ना सर, एक नंबर 30 देख पा रहे हैं और स्क्रॉल की मदद से आप ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो क्या हम इसी तरह का स्क्रॉल अपने डेटा में कर सकते हैं? यार मान लीजिए कि डैशबोर्ड बनाया आपने और उस डैशबोर्ड पे मुझे पूरे डेटा को 5 रो 1 2 3 4 5 पांच रो में दिखाना है, समझे सर? तो कैसे करें इसको 5 रो में दिखाना है पूरा डेटा, वो कितना भी स्ट्रिंग करेंगे तो 5 पे तो नहीं ना आएगा सर। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं यहां 1 लिख देता हूं ऐसे मैनुअली और ऑफसेट का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। ऑफसेट हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा, इसको सिलेक्ट किया कॉमा 0, पूजा आ गया। अब मुझे आगे ड्रैग करना है तो इसको ए वन को फ्रीज, इसको जे तो फ्रीज होगा ही होगा और इसका नहीं, इसका ए फ्रीज नहीं होगा, इसका 1 फ्रीज होगा। नीचे इसको हम ड्रैग करते हैं। अब इसमें नीचे में क्या होगा कि पूजा के बाद अगला चाहिए तो मुझे इसमें J8 में +1 कर देना है, कि 2 नंबर रो इसमें प्लस कर देना है, 3 नंबर रो इसमें प्लस कर देना है, 4 नंबर रो इसमें प्लस कर देना है, 5 नंबर रो या 10 है तो 10 इसी तरह से कर सकते हैं और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए।
अभी आपको पूजा से इंदर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे वन है, जैसे यहाँ पे हम टू करेंगे तो ये नीरज से उगेश दिखेगा, देखिए दिख गया। ऐसे मैं यहाँ पे थ्री कर दूंगा तो फिर कविता से लेके आपका रवि तक दिखेगा। लेकिन मैं यहां मैनुअली नहीं करना चाहता हूं, तो उस केस में डेवलपर बार में हम आएंगे और हम यहां पे स्क्रॉल बार लेंगे, स्क्रॉल बार, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, यहां हमारा मिनिमम वन और मैक्सिमम हमने यहां पे कर लिया, जो जितना डेटा हो आपका उसके हिसाब से 200 कर देता हूं फिलहाल, और सेल वैल्यू यहां पर हो। अब पर क्लिक पर चेंज यहां 10 दिख रहा है, मैं बोलता हूं एक हो, या जितना करना चाहते हो उतना कर सकते हो। सीट की तरह बिहेव कर रहा है ना सर। अब इसके ऊपर आप चार्ट बनाना है तो यू कैन मेक द चार्ट क्या सर। हेलो हाँ जी सर, सुन मैं आपको, हाँ हाँ सर। सर इसमें एक आपने इस बार ऑफसेट में मतलब जो फॉर्मूला लगाया उसमें +1 +2 ये किस लिए किया, ये नहीं समझ में आ रहा। +1 देखिए यहां पे अब सेम फॉर्मूला होगा तो फिर पूजा ही दिखाएगा ना, मुझे इस बार पूजा का नीचे का चाहिए तो हमने नीरज कर दिया, मतलब कि यहां +1 मतलब कि दूसरे नंबर को देगा, यहां 2 होगा तो तीसरे को दिखाएगा, यहां से इसके अकॉर्डिंग चलेगा ऐसा में कि नहीं सर। हाँ यहां देखिए इसे यहां भी क्या पहले को दिखा रहा है, ऊपर में पहले को दिखा रहा है, नीचे में बोल दिया कि भाई इसमें +1 मतलब कि +1 मतलब कि 1 यहां पर है, +1 2 हो गया तो ये नीरज को दिखाएगा। फिर यहां पे हमने कर दिया +2 +2 +3, अच्छा माफ कीजिएगा यहां गड़बड़ हो गई, यहां पे 2 होना चाहिए था। तो उसकी ये जगह हम सर क्या रो रो लगा के नहीं कर सकते थे कि रो कर भी अपने सकते आप हैं, वो मतलब। आप वो तो आपकी चॉइस के ऊपर है, यहां रो भी कर सकते थे, इसमें प्लस रो -1 क्योंकि तो 0 से चाहिए ना सर। नहीं आ रहा सब -1 करेंगे तो वो वापस उसमें नहीं आ रहा। तो पहले पहले वाले में तो 0 ही कर, अच्छा बाकी आप देख लीजिए। तो ठीक है सर। यहां पे मैं अपना एक्सेल का कोर्स खत्म कर रहा हूं।